हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीसीए का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर आप भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसका जो बीसीए होता है तो उसके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखते वक्त सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर देना। नीचे वाला लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा देना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि जो पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल सके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसमें सबसे पहले जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पे जो आपको थ्योरी पार्ट होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग होता है, एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। अगर आपको पहले से कोडिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जो बेसिक से सी प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी। और इसमें जो थोड़ा कोडिंग भी होता है, मतलब आपको थियरी तो होगा बट कोडिंग पार्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, जो मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए होता है तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी जो थियरी प्लस जो आपको कुछ अल्गोरिदम टाइप्स होते हैं तो वो आपको यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना पड़ता है, सेट थियरी वगैरह यहाँ पे होता है। उसके बाद इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो आपको कम्युनिकेशन के लिए स्किल चाहिए होता है तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर होता है, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जावा सिखाया जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लासेस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग आपको पढ़नी पड़ती है, करनी पड़ती है, प्रोग्राम्स वगैरह। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे जो आपको डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, उसके जो कमांड्स होते हैं कैसे यूज करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन होता है, तो ये भी सब्जेक्ट अच्छा होता है। उसके बाद जो है कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या, लैन वैन मैन जो होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको बीसीए के फर्स्ट ईयर में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना।